मूवमेंट के तहत शालाघाट के कोटली अर्जुन खेल मैदान में शहीद भगत सिंह प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आजाद युवा मंडल कोटली द्वारा किया गया। 15 दिवसीय चले इस आयोजन में लगभग 86 टीमों ने भाग लिया व अपनी प्रतिभा का आयोजन किया। जानकारी देते हुए आयोजनकर्ता ललित ठाकुर ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में युवाओं को फिट रखना और खेल के प्रति जागरूक करना और नशे व अन्य कुरीतियों से दूर रखना रहा है। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं द्वारा कोरोना के सभी नियमों का पालन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आजाद युवा मंडल द्वारा शहीद भगत सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज इसका समापन हो गया। इसमें जो विजेता टीम है उसको हमने 11,000 फर्स्ट प्राइज और 5100 सेकंड प्राइज रखा है और खेलो इंडिया बड़ो इंडिया के तहत इसका आयोजन किया गया। और कोरोना काल में जो महामारी हमारे देश में आई है उसमें युवाओं को फिट रखने के लिए और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया। सभी खिलाड़ियों ने सभी टीमों ने जो कोरोना काल की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया। मैं उनका और अपने जो हमारे मुख्य अतिथि है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समापन समारोह के अवसर पर अधिवक्ता गगन शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की व टीम के सभी सदस्यों को इस प्रकार के आयोजनों को करवाने पर बधाई दी। ये आज़ादी युवा मंडल कोटली द्वारा जो आयोजन किया गया इस टूर्नामेंट का और आज जिसका समापन है, तो ये खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए और युवाओं को नशे की गर्त से बचाने के लिए ये इसमें एक अहम भूमिका अदा करता है। और इस किस्म की जो गतिविधियाँ हैं, इस किस्म के जो कार्यक्रम हैं वो होने चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है आजकल कोरोना काल के दौरान कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और इवन डॉक्टर्स भी आपके योगा खुद नेचर के साथ जुड़ने की हिदायतें दे रहे हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बातें की जा रही है। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो ये आयोजन किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण एक कदम है इनका इस विषय में, जिससे कि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ में इसमें कुछ प्रतिभाएं हैं जो ग्रामीण स्तर पे जिन जो रुकी हुई है, अभी प्रकाशित नहीं हो पाई, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और दूसरे अगर साइंटिफिक कंसेप्ट से देखा जाए तो तब भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। हाँ, और इन लोगों ने एक बहुत अच्छा, जो मैं इनको सराहना का जो ये पात्र है जो कहना चाहूँगा, इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और साथ में मास्किंग वगैरह जो ये जरूरी चीज़ों को जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए उनका पूरा पालन कर। अर्की से नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।